मुक्ति के लिए कमरे उतारे अपने। ये दोनों बड़े पहलवान अंदर आए, ये पहले बड़ी कुश्ती करवाई जा रही है, छोटी बात थोड़ी बाद में होंगी, जो फाइनल कुश्ती है वो पहले करवाई जा रही है। बहुत बढ़िया कुश्ती होने वाली है थोड़ी देर में। जो बड़ी कुश्ती है वो पहले कराई जा रही है, अभी तक छोटी कुश्तियाँ हो रही थी 5,000 रुपये की, 2,000 रुपये की, अब 31,000 रुपये की कुश्ती शुरू होने वाली है, दंगल शुरू होने वाली है प्याला गांव फरीदाबाद में। और आप लोग देख रहे हैं लाइव, बहुत बढ़िया दंगल यहाँ पर हो रही है, काफ़ी देर से दंगल हो रही है लेकिन अब बड़ी कुश्ती होगी। आप लोग देख रहे हैं लाइव, शेयर भी करें, प्याला गांव फरीदाबाद में दंगल हो रही है। प्याला गांव फरीदाबाद सीकरी के पास पड़ता है, आज दंगल का कार्यक्रम है, तो आप लोग शेयर भी करें इस वीडियो को, जो भी आसपास के लोग हों, फरीदाबाद जिले के लोग हों। और 15,000 रुपये की कुश्ती पहले होगी, उसके बाद 31,000 रुपये की कुश्ती होगी। आप लोग देख रहे हैं इधर कुश्ती हो रही है, थोड़ी देर में ये जो बड़े पहलवान हैं उनकी कुश्ती शुरू हो जाएगी। ये प्याला गांव फरीदाबाद में दंगल हो रही है, काफी देर से दंगल हो रही लेकिन अभी चरम पर पहुंच गई है। भाई साहब ये सचिन पंचवटी काले उतारा, जल्दी जल्दी अपने कमर उतार के आए बीच में भाई। और लास्ट वाले जो पहलवान है संदीप पंडित काले उतावर, ये जो बड़े पहलवान हैं, बड़ी कुश्ती होने वाली है इनकी। हर के साथ ये दोनों पहलवान ग्राउंड में आ जाए। हर के साथ हर के साथ रस रोहित चंदावली पहलवान बीच में आए। ये दोनों पहलवान बीच में आ जाएं, बहुत बढ़िया कुश्ती होने वाली है। और 15,000 की कुश्ती होगी सचिन और काले के बीच में। असंतुष्ट हैं फैसले से भाई साहब, कभी कभी हो जाता है। इनकी गांव में शराब की दुकान है, 5,100 रुपये की एक कुश्ती करवा रहे हैं भाई हितेश कैलवान जी, अपनी तरफ से 5,100 रुपये की कुश्ती करवा रहे हैं। आप मेहमान करें। हेलो नमस्कार, बढ़िया जी, और बताइए ठीक है सर? अच्छा ठीक है, अभी देखते हैं। ठीक है भाई साहब, बहुत बढ़िया दंगल होने वाली है, आप लोग देखिए, शेयर भी कीजिए। फरीदाबाद में प्याली गांव, प्याला गांव में, सॉरी प्याली नहीं प्याला। मैदान के अंदर ना आए भैया, ये 15,000 रुपए की जो पहलवान वो अंदर पहुंच गए क्या?
कई बड़े पहलवान भी आए हैं, यूपी से आए हैं कई लोग और हरियाणा के दूसरे जिलों से भी आए हैं, हाथरस, बागपत, गाजियाबाद, नोएडा, यहाँ से भी आए हैं। 15,000 वालों को बुलाया जा रहा है, सचिन और काले को, सचिन और काले को बुलाया जा रहा है 15,000 के साथ। अगर कोई बाहर से दर्शक आता है उसकी कुश्ती कैंसिल करवा दी जाएगी। हाँ हाँ, अभी भी बात करते हैं। और बार बार आपको बताया जा चुका है बराबर कुश्ती पर कोई नाम नहीं दिया जाएगा, बराबर झूठ होकर कोई भी पहलवान कमेटी के पास न जाए। ये दोनों कपड़े उतार के ग्राउंड में आए। भैया सब यहाँ साइड में आ जाओ, दोनों आगे ले जाओ, सब साइड में खड़ा व्यवस्था बनाओ। हाँ भैया क्या भैया, ये सचिन और कारे पहलवान आ गए, दोनों साइड में नहीं आए। सचिन पहलवान आ चुका है, कारे पहलवान जी आ रहे हैं। भैया कारे पहलवान जा रहे हैं, तो क्या नाम करवा रहे हो? कारे पहलवान, कारे पहलवान, कारे पहलवान आ रहे हैं, सचिन पहलवान जी और कारे पहलवान जी। पर्ची पहुंच चुकी है, 15,000 रुपए की पर्ची के उन्होंने पहुंच चुकी है, चरण सिंह रावत जी के पास है, जो गांव से बुजुर्ग भेजे और ये भैया 15,000 रुपए की कुश्ती है। सचिन पहलवान जी सुनिए, अखाड़ा पंचवटी भैया ये है और हाथरस वाले दोनों पहलवान कपड़े उतार के अंदर आए। भाई साहब आपके बीच में सचिन पहलवान और काला टावर के बीच में चुन रही है, एक उसकी बराबर आ चुके हैं। अरे जो पहलवान बराबर हो चुके हैं वो कैसे पीछे आ जाए। 15,000 की कुश्ती का टाइम बताएं कि कितना टाइम रखेंगे। 15,000 की कुश्ती का जो टाइम है वो बता रहे हैं, जब एक मिनट रुको। सभी खिलाड़ी दोबारा ध्यान दे, बराबर को बंद कर, कोई नाम नहीं है। 15,000 की कुश्ती का 15 मिनट का टाइम है जी। 15,000 की कुश्ती का 15 मिनट का टाइम, 15 मिनट का टाइम है 15,000 की कुश्ती के लिए। सचिन पहलवान और काला
17,000 की कुश्ती के खेल का प्रदर्शन आपको देखने को मिल रहा है। बहुत अच्छे हरी भरी पहलवान हमारे बीच में कुश्ती के खेल का प्रदर्शन दिखा रहे हैं। ये जो हमारे दो बड़े पहलवान है रोहित चंदावली और हाथस वाले भाई साहब, जल्दी जल्दी कपड़े उतार के अंदर आए। ये दोनों पहलवान आए, फिर रात हो रही है भाई साहब। ये दोनों पहलवान अंदर आए, रोहित चंदावली और हाथस वाले पहलवान हमारे 3,500 रुपए कुश्ती के लिए अंदर आके हाथ में आए। पहलवान ने 5,100 रुपए की कुश्ती कराई थी, वो कुश्ती संपूर्ण हो चुकी है। सुंदर पहलवान ये बड़ी कुश्ती के जो पहलवान है, हेलो मैं आपके बीच में 15,000 की कुश्ती सचिन पहलवान और काला टाइगर के बीच में भैया ये हरकेश हाथरस और मनीष रोहित चंदावली हरकेश हाथरस और रोहित चंदावली मेरे पहलवान जल्दी से ग्राउंड के बीच में पहुंचे। समय नहीं है, अंधेरा होता जा रहा है। अभी कुश्तियां के इस वजह से पवन जो पर्ची बना रहे वो माइक के पास आए एक बार। मैदान के अंदर कोई भी बाहरी व्यक्ति का कोई प्रवेश नहीं है, केवल खिलाड़ी मैदान के अंदर आएंगे। एक बार हमारे सभी रेफरी साहिबान के लिए जोरदार तालियों से अभिनंदन कर देंगे। बहुत ही अच्छा डिसीजन के साथ कुश्तियों को संपन्न किया जा रहा है। हर्ष पहलवान जी हाथरस हमारे बीच में, जोंटी पहलवान जी जमालपुर, जल्दी से आए 5,000 की कुश्ती के लिए। और रेफरी साहिबान के लिए पानी की व्यवस्था करें मैदान में। कमेटी के साथियों से निवेदन है, रेफरी साहिबान के लिए पानी की व्यवस्था करें, पानी देंगे। हरकेश पहलवान जी भारत के श्री बंदर के बीच में आज जल्दी हरकेश पहलवान जी भारत के श्री। ये भाई साहब तीन कुश्ती रह रही है, उस्मान और सौरभ, सौरभ जागते हैं, उस्मान जागरे क्या लिखो भाई जागरे से। ये दोनों पहलवान बच्ची ले अपनी आगे, तस्लीम समुंदर जतिन चंद्रा पखाड़े से, सौरभ और ये छह पहलवान ये आ जाए भैया। हरकेश पहलवान जी भारत केसरी, रोहित पहलवान जी भारत केसरी दंगल के बीच में आए जल्दी। अजीत पहलवान पीछे आ जाओ एक मिनट के लिए। भैया जो पहलवान जा रहे हैं अपने नाम बता के जाए, पर्ची लेके जाए। भाई जो पहलवान कपड़े उतार के गए हैं, इन्हें भेजिए। ये प्याला गांव फरीदाबाद में दंगल हो रही दोस्तों, जो भी नए जुड़े हैं उनको बता दें, प्याला गांव फरीदाबाद में दंगल हो रही है। 15,000 रुपए की अभी कुश्ती चल रही है, इसके बाद 31,000 रुपए की होने वाली है। ये हर्ष पहलवान जी हाथरस से, इंटरनेशनल पहलवान जोंटी जमालपुर से 5,000 की कुश्ती पे आए जल्दी। भैया इनके हाथ मिलवाओ, रेफरी साहब इनके हाथ मिलवाइए। तीन रेफरी अंदर, एक साथ में 3 कुश्ती चलवाओ। ये उस्मान और सौरभ, ये सौरभ एक और फिर नवनीत है। ये दोनों पहलवान जहां भी हमारी पर्ची रह जाए अपनी। पहलवान
बेबन जी, जो आपके पास पर्ची है उसी का होगा। मैं पर्ची में होता हूँ, मैं पर्ची इन पहलवानों को नहीं छोड़ता हूँ। ये घूम कर आओ भाई साहब। मैं भैया, अरे भाई साहब मुकेश खड़े आ जाओ यार, तो पानी में मंगवा। अजीत पहलवान तो बीच में चले गए, पानी पहलवान में ये अजीत पहलवान। अजीत पहलवान, अजीत पहलवान आ जाएंगे, कुश्ती ना होगी। याद हो रहा है अजीत पहलवान? आज चिड़िया खाली है, तस्वीर पहलवान गुरु समंदर का बच्चा, पानी पहुंचेगी अंदर हरमन जावरा गुरु सरकार का बच्चा, 3000 की तस्वीर पर। ना होगी होगी बात, कोई ना होगी ऐसा करो। तंत्रा पावा की, तंत्रा पावा की। तो बहुत अच्छा कुश्तियों का आयोजन आपके बीच में हो रहा है, शांति का वातावरण बनाए रखेंगे सभी। और बाकी पहलवान जल्दी से जल्दी आए, अंधेरा होने को है, जल्दी से जल्दी अपने छह भाई साहब निकलाए। भाई साहब जो अंदर पहलवान घूम रहे हैं, जो बने अरे जो हमारे टिकट वाले, इसको बाहर करो भैया, बाहर आ जाओ। बोलो बात सही ना भैया, रेफरी ने पानी दो, रेफरी ने पानी। अजीत भाई गाड़ी में से पानी निकाल के दे, रेफरी ने बाहर गाड़ी चाबी दो। क्या नाम भाई साहब? गोविंद हरीश। भाई ये बताओ यार, सबके पर भैया तुम बाहर लिखा रहे हो क्यों निकाल रहे हो? कल आपसे बात करो, ये आदमी तो बात निकालता है, ये बाहर निकाल ये आदमी लोगों के लिए आपन कर है। और बात से बाहर जाओ, मंगल कमेटी से बात करो भैया। जी पैसे हो कर रहे हो, कोई किसी ना होगी। हां अजीत पहलवान के कहते कोई किसी ना होगी, क्या धन्यवाद है अजीत ने बाहर क्यों नाम तुम बंदे बता भैया। गाड़ी में तो निकाल के पानी दो चार अंदर अभी के पास अभी क्या बोल हाँ काले अंदर जिन पहलवानों की पर्ची नहीं है वो बाहर है। हर्ष पहलवान हाथरस, शांति पहलवान जमालपुर मुरपास, अजय मुरपास, उनकी पर्ची है। आप दो मिनट की कही सुनो भैया, भैया स्टेज के सारे सुनिए, सुनिए सुनिए, 15000 की कुश्ती, 15000 की कुश्ती में हमारे बीच में चल रही है। उनका समय 2 मिनट की ओर आ गया है, 2 मिनट। अगर 2 मिनट के समय में कुश्ती का निर्णय नहीं होता तो कुश्ती बराबर रहेगी और कोई पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। भैया रोहित चौकीदार बराबर हुई है 15000 रुपए की कुश्ती। बराबर छोटी है। तो भैया भाई साहब बार बार कही जा रही है, आप लोग अंधे, आप जल्दी आ जाओ। हरकेश पहलवान और रोहित पहलवान, ये 31000 रुपए की कुश्ती है। भाई साहब जल्दी से जल्दी आ जाओ, पहलवान जी
जो भी पहलवान अंदर खड़े हुए जिनकी पर्ची नहीं है, भाई साहब आप सभी से आग्रह है, आप देखो आप सर हमारे लिए सम्माननीय है, पर आप बाहर बैठे नतंग की व्यवस्था बन जाएगी। जो भी पहलवानों के साथ पहलवान गुरु खनिज आए हैं वो सब बाहर है, सबका सम्मान है, पर दंगल की व्यवस्था ना बिगाड़े। आपको इंटरव्यू होगा ना ठीक है, बता देगा वो है ना। ये सभी भाई बैठ जाए, हमारे जो भी भाई बैठ जाए, स्टेज के बिल्कुल साथ में बैठ जाए, थोड़ा सा उस्मान पहलवान जय भारत जी, शरद पहलवान जय भारत जी, भारत जी जय भारत जी, ये भक्ति जी लगा रहे हैं, ये कृष्ण देव पहलवान कितने की है, 5,000 की कृष्ण देव पहलवान इतने की है अनाम लोगी। हाँ जी, ये भैया जो 15,000 की कुश्ती के पहलवान है वो एक बार यहाँ आ जाए, दोनों की दोनों जो बराबर हुई अभी। जो 31,000 कराओ भाई, अंधेरा हो जाएगा। पर्ची आग लगा जी, छोटी भाई 5,000 रुपए की कुश्ती जीत चुके हैं, छोटी जमालपुर 5,000 की कुश्ती जीत चुके हैं। 21 अजीत पूछो कितने का, क्या नाम दिया पहलवान का, वो सब पूछ के बारे कृष्ण आवाज मारो, कलवा भाई अजीत पहलवान जी, मोहित पहलवान जी और कलवा पहलवान जी की कुश्ती के बारे में बताएं, इनकी कितने की कुश्ती है, पर्ची भेजे बिना पर्ची के ना। हेलो मोहित पहलवान जी, हेलो अगर बिना पर्ची के मैं अभी बात करता हूँ अंकल जी, ठीक है अभी बात करो, मैं समझ गया आपकी बात, मैं आपकी बात नहीं करूंगा, कर दीजिए तस्लीम कीजिए, तस्लीम पर्ची ना ना अभी है जी, देखो सी चेक करो। ये भैया 15,000 के जो भी पहलवान हमारे सचिन और काजी कहां लोग तस्लीम दे दो हमारे पास आ जाए एक बार, और दिया काई तस्लीम की पड़ी नहीं जी, ये जो सारे पहलवान और सचिन पहलवान चेक करो एक बार आ भैया, ओ जीते सारे सचिन जान आप करवाइयो बात करोगे मोहित कुश्ती करवाओ, अंधेरा हो जाए मोहित और पर्ची ना तुम करवाओ, कोई दिक्कत ना, बिना पर्ची के ना होगी। अजीत यूए भाई जिनकी कुश्ती है भाई रुको, जिनकी कुश्ती ना है बाहर चलो भैया, भाई साहब तुम्हारे किस्त ना, भाई साहब बाहर आ जाओ भैया, आप भी बाहर करो 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 बाहर ही करो, भैया जो बड़ी कुश्ती है आ जाओ एक बार, हर के सात रस भैया दोनों पहलवान आ जाओ, बार बार बाइक सवाल करके आपकी 7 मिनट, भाई साहब भैया तू मुंह पता तू कहां के गए, तू चल तो रहे भैया,
चलते रहो सरपंच जी, आपको फोन करें, बड़ी कुश्ती के लिए हाथ मिलवाएंगे बाबा आके। सरपंच नाम तो दूर थी कर दे आगे भाई साहब देरा हो रहा है ना। हाँ जी, पाँच पाँच सौ रुपये दे, पाँच पाँच, वाह भाई। इन पहलवान कुश्ती बराबरी छूटी है इन दोनों की, बता दे रहो, ऐसे बोलते रहो माइक, बोल दिया है ना। टाइम लिमिट पूरी हो चुकी है भैया, दूर दूर से आए वीर, पास पास से आए वीर। अब एक बाहर जाओ भैया, जाके कुछ नहीं रहो। हाँ जी सुनिए, नवीन पहलवान जी तैरापुर से सौरभ पंचवटी अखाड़ा गुरु चरण सिंह का पूछ लो भैया, पहलवान जनकपुर। अंधेरा हो जाए भाई, बुला लो यार, क्या मतलब है? हमारे में साफ दिख रही है, बाकी अंधेरा हो गया। तुम्हारे गेल लियो मैं, तुम्हारे गेल लो, टेंशन मत लो, करते भैया पीछे जा, पीछे ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, डालो डालो डालो, देखो हीरो, ये जोश में आ चुके हैं दोनों लोग, दोनों पहलवान। देखिए आप लोग, अंधेरा भी होता जा रहा है, अंधेरा होने के साथ लोगों का जोश भी बढ़ता जा रहा है, पहलवानों का भी जोश बढ़ता जा रहा है। समय की कमी है, बड़े पहलवानों का इंतजार है, आप लोग देख रहे हैं अंधेरा, अंधेरे की वजह से लोगों को दिख नहीं रहा है, इसलिए लोग शोर भी मचा रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा लोग आ चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी आ चुकी है, शाम का समय है। धीरे धीरे आप लोग देखिए अंधेरा होता जा रहा है, और ये लोग चाहते हैं कि बड़ी कुश्ती पहले हो जाए ताकि इनको ज़्यादा वेट ना करना पड़े, और इन्हें कुश्ती दिख भी जाए, अंधेरा हो जाएगा तो किसी को कुश्ती दिखेगी नहीं, इसलिए बड़े पहलवानों का इंतज़ार है। 31,000 रुपये की फाइनल कुश्ती होगी, उन्हीं पहलवानों का इंतज़ार है, लेकिन अभी तक वो पहलवान आए नहीं हैं। यहाँ पर तमाम गांव के लोग पहलवानों का इंतज़ार कर रहे हैं, उनके नाम की घोषणा कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वो पहलवान आए नहीं हैं। अगर अंधेरा हो जाएगा तो किसी को दंगल नहीं दिखेगी,
की लाइट की व्यवस्था नहीं है। आप लोग देख रहे हैं लोगों का सब्र टूट रहा है क्योंकि अभी तक फाइनल वाले पहलवान नहीं आए हैं और अंधेरा भी आ रहा है। आप लोग देख सकते हैं इधर कुश्ती हो रही है, इधर कुश्ती हो रही है, अंधेरा हो चुका है लेकिन हमारे कैमरे में साफ साफ दिख रहा है। तो हमारे कैमरे में आप लोग लाइव भी देख सकते हैं, लाइव देख सकते हैं। अंधेरा हो चुका है, फाइनल कुश्ती होने वाली है, अंधेरा होने वाला है। उससे पहले अगर कुश्ती हो जाएगी तो सभी लोग देख लेंगे लेकिन अभी तक ऐसा हो नहीं रहा है। आप लोग देख सकते हैं लोग गोला बनाकर खड़े हुए हैं और फाइनल के पहलवानों का इंतजार किया जा रहा है। जो 31,000 रुपए की कुश्ती होने वाली है, पहलवान आ जाओ, दोनों रेपी दो रेंगे। सरपंच साहब ये फाइनलिस्ट हैं, 31,000 रुपए की कुश्ती होने वाली है। थोड़ा सा भेज दो ना बाहर, शुरू कर रुक जाइए जी एक मिनट। फाइनल की कुश्ती होने वाली है, अंधेरा भी हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं भीड़ भी हो चुकी है। आसपास के गांव के लोग यहां पर आए हैं, प्याला गांव के लोग तो है ही हैं, पूरे फरीदाबाद से यहां पर लोग आए हैं, यूपी गाजियाबाद नोएडा हाथरस से भी लोग यहाँ पर आए हैं। भारी संख्या में लोग आए, हाथ रही बैठो। प्रोग्राम लाइव चल रहा है फरीदाबाद लेटेस्ट, शुरू हो चुकी है दंगल। देखिए फाइनल है, 31,000 रुपए की कुश्ती है प्याले में। एक मिनट बता दो। हाँ मैं प्याले से कृष्ण दलाल। हाँ आज बाबा शांतिनाथ के मंदिर पे 31,000 रुपए का विशाल दंगल आयोजन किया जा रहा है जिसमें रोहित चंदावली और हाथरस से पहलवान आए हुए हैं हमारे। इनका फाइनल कुश्ती देखने को आपको मिल रही है। ठीक है, धन्यवाद। भैया फोन वाले घूमते रहे एक दिन वाले सबकी आ रही भाई साहब, सबकी आ रही। भाई
इक्यावन हजार रुपए की कुश्ती हो गई है पहले। इक्यावन हजार रुपए कुश्ती आई, इक्यावन हजार रुपया की। ताली बजाइए, ताली बजाइए, ताली बजाइए, ताली बजाइए सबको। इक्यावन हजार रुपए की कुश्ती हो चुकी है, पहले 31,000 रुपए की कुश्ती हो रही थी। जो जीतेगा 51,000 रुपए पाएगा। जो भी पहलवान इस कुश्ती को जीतेगा वो 51,000 रुपए पाएगा। पहले 31,000 रुपए की कुश्ती थी, लेकिन अभी 20,000 रुपए और बढ़ गए हैं और 51,000 रुपए की कुश्ती हो चुकी है। ये फाइनल कुश्ती है। इससे पहले यहाँ पर सैकड़ों कुश्तियाँ हुई, लेकिन ये फाइनल है, 51,000 रुपए की कुश्ती है। 55,200 रुपए की कुश्ती हो चुकी है। 56,000 रुपए की हो चुकी है। रुपए बढ़ते जा रहे हैं, इनाम बढ़ते जा रहे हैं, इनाम बढ़ता जा रहा है। 55,000 रुपए 56,000 रुपए। अभी देखो कोई और लगा देगा, हो सकता है प्राइस बढ़ जाए। अभी तो ये 55,000 रुपए की कुश्ती हो चुकी है फाइनल। आप लोग सुन रहे हैं, जो भी आयोजन करता है उनका कहना है 55,000 रुपए की कुश्ती हो चुकी है। ताली बजाते रहो भाई, ताली बजाते रहो, ताली बजाते रहो। 55,000 रुपए की कुश्ती हो चुकी है। दोनों पहलवान मैदान में डटे हुए हैं, रोहित चंदावली और एक पहलवान हाथों से आए हैं, उनका नाम पूछते हैं। पचपन हजार रुपया जो जीतेगा 55,000 रुपए पाएगा। अंधेरा भी हो चुका है। हरकेश पहलवान, रोहित चंदावली, दोनों पहलवान मैदान में डटे हुए हैं। ऐसा लग रहा है ओलंपिक चल रहा है यहाँ पर। अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं दोनों पहलवान। भाई जी, अजीत, अजीत भैया, हमारी सुन लो, 4,000 रुपए देते हैं। मैं सुन भी लिया यार। भैया, ओ भैया, बाद में बात कर लीजिए। भैया रे, उठी कोई ना करो भैया, शांति आराम से उठी को देखना वरना ध्यान से कुश्ती देखोगे तई भैया। जिसको ना दिख रहा हो लाइव देख लेना, लाइव दिख रहा है। अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, दोनों पहलवान जुटे हुए हैं। 55,000 का इनाम पाने के लिए ये कुश्ती हो रही है और दोनों पहलवान दमदार हैं। आप लोग देख सकते हैं, करीब 100 किलो दोनों का वजन है। 55,000 रुपए की कुश्ती है। अंधेरा भी हो चुका है, जोश भी बढ़ गया है लोगों का। एक मिनट शेष रह गया, तालियां बजाइए भाई, तालियां बजाइए, तालियां बजाइए, तालियां बजाइए, तालियां बजाएंगे तो पहलवानों का जोश बढ़ेगा। तालियां, एक पहलवान चित हो गए हैं, एक पहलवान उनके ऊपर बैठे हैं और उन्हें पलटने का प्रयास कर रहे हैं। रोहित चंदावली, रोहित चंदावली, रोहित चंदावली, हाँ, हरकेश आदर, बिल्कुल नाम हमने बता दिया। दोनों के बीच फाइनल हो रही है।
एक पहलवान चित हो गए हैं। फाइनल चल रही है। बराबर कोई नहीं जीता, बराबर छूट गई है कुश्ती। जो टाइम था वो पूरा हो चुका है। रोहित चंदावली हरकेश पहलवान के बीच में ये कुश्ती थी। हाँ फेसबुक फरीदाबाद लेटेस्ट न्यूज़, फरीदाबाद लाइव। क्या नाम आपका? हर्ष। हर्ष फेसबुक पे लाइव है, क्या कहना चाहते हैं? कुछ नहीं, मजा आया कि नहीं? चलो मजा आना चाहिए, पूरा पूरा आनंद लिए हो जी। हाँ मजा आना चाहिए और क्या। बढ़िया, सबको मजा आया, आपको आया मजा? अच्छी दंगल हुई। अच्छा अच्छा, हाँ बराबरी पर छूटे हैं। वैसे दंगल भी बहुत बढ़िया रही है, शांतिपूर्ण पूरी तरह से, बिल्कुल बहुत बढ़िया। आप कहाँ से? यहीं से हैं, प्याला गांव से? अच्छा फतेहपुर से। चलो ठीक है, आप देख सकते हैं हजारों लोग हैं, शांतिपूर्वक ये दंगल संपन्न हुई है बहुत अच्छी तरीके से। और किसी ने कोई शूटिंग नहीं की, शोर शराबा नहीं किया, गांव वालों ने बहुत बढ़िया सब्र का परिचय दिया। आप सभी लोग देखिए अपने अपने घरों को जा रहे हैं। कुश्ती दंगल खत्म हो चुकी है। जो फाइनलिस्ट थे 56,000 रुपये की कुश्ती थी वो बराबरी पर छूटी है और यहीं पर दंगल हो रही थी। तो आप लोगों ने ये वीडियो देखा, आप लोग शेयर भी करें, आप लोग शेयर भी करें। नमस्कार, जय हिंद।